आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट है, तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे माता की पूजा करनी है, और बहुत ही इजी तरीका मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जहां पे भी पूजा करनी है उसको अच्छे से साफ कर लें, और एक टेबल या फिर कोई पट्टा रख दें लकड़ी का, उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। अगर आपको सजावट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से बना करके रखा था, तो मैं इस तरीके से इसको लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीढ़ा लिया है, या फिर आप इसे पट्टा भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर मैं लाल कपड़ा बिछा रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी सजावट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने फूल लगा दिए हैं। तो आपको जैसा भी सजावट पसंद है उस हिसाब से कर लें। और अब मैं यहाँ पे दिए रख रही हूँ बड़े वाले दोनों साइड में, और इसके नीचे भी मैं थोड़ा सा सजावट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गेंदे के जो फूल हैं उनको इस तरीके से सजा लिया है। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे सजाने से काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद दियों में हम बाती लगाएंगे, और उसके बाद मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तो बाती को अच्छे से आप तेल में डुबो दें। तो दोनों जो दिए हैं बड़े वाले उनमें मैं तेल और बाती डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं दिए जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। और अब मैं गंगा जल ले रही हूँ और स्थान को शुद्ध कर रही हूँ। उसके बाद जो हमने माता की जो चौकी बनाई है उसमें मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। तो यहाँ पे मैं चावल से स्वास्तिक बना रही हूँ, या फिर आप इसे अक्षत भी कह सकते हैं। उसके बाद गणेश जी के लिए मैं यहाँ पे स्थान बना रही हूँ चावल से, और माता के लिए भी। और अब मैं यहाँ पे थोड़े से चावल इस तरीके से रख रही हूँ, और यहाँ पे हम कलश को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अष्टदल कमल। तो इस तरीके से आठ रेखाएँ आप ड्रॉ कर लें। और यहाँ पे अब मैंने रोली और हल्दी लिया है, तो अब माता की जो फोटो है उसमें मैं रोली और हल्दी का टीका लगा दूँगी, और उनका जो शेर है उसमें भी हल्दी और जो रोली है उसको लगा देंगे, और माता का जो फोटो है उसको इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को भी तिलक लगा देंगे रोली और हल्दी से। और अब मैं गणेश जी को भी स्थापित कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे माता की छोटी सी मूर्ति है, तो इनको भी मैं टीका लगा रही हूँ हल्दी और रोली से, और इनको भी अपने स्थान पर स्थापित कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने नारियल का जो गोला होता है उसकी भी पूजा कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी टीका लगा रही हूँ हल्दी और रोली का। उसके बाद यहाँ पे मैंने घंटी रख दी है, और अब हम कलश को तैयार कर लेंगे। और कलश के मुख पे हम तीन या फिर पांच बार अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी मैं स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब मैं कलश के मुख पे नौ जो टिक्कियाँ होती है वो लगा रही हूँ। तो आप रोली के मदद से इस तरीके से नौ टिक्की लगा दें। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गंगा जल, तो मैं नौ बार डाल रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नॉर्मल पानी, फिर ऐड करेंगे इसमें हल्दी की गांठ, सिक्के, थोड़ा सा अक्षत, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सिंदूर, और यहाँ पे मैंने आम के पत्ते लिए हैं, तो इनको भी अच्छे से हम लगा देंगे। तो इनके ऊपर भी मैं हल्दी और रोली जो है उसका टीका लगा रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने 9 पत्ते लिए हैं। और अब हम इनको भी अच्छे से कलश में सजा देंगे और इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने नारियल लिया है और अब हम नारियल में मौली बांधेंगे। तो इसे आप 3 बार इस तरीके से घुमा दें। और अब मैं नारियल पे भी स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद एक लाल कपड़ा लें और इसे अच्छे से ढक दें नारियल को, और उसके बाद इसे हम कलश के ऊपर रख देंगे। तो नारियल का जो मुख है उसको ऊपर रखना है। और अब हम कलश को अष्टदल कमल पर स्थापित कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा दिया लिया है, तो यहाँ पे हम ज्वार जो है उसको बोएंगे। तो इसे भी मैं मौली से बांध रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे श्री का चिन्ह बना रही हूँ। तो श्री जो है वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहो तो ओम या फिर स्वास्तिक भी बना सकते हो। और अब हम माता के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा चावल रखेंगे अक्षत, और इस तरीके से इस दिए को स्थापित करेंगे। तो कलश हमें माता के राइट साइड में रखना है और इस दिए को लेफ्ट साइड में। उसके बाद दिए के मुख पे भी हम रोली और हल्दी से 9 टिक्कियां लगाएंगे। फिर मैं यहाँ पे जो मिट्टी है उसे डाल रही हूँ। मिट्टी डालने के बाद हम ऊपर से ज्वारे डालेंगे। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो मैंने गंगा जल डाला है, तो इसे भी मैं 9 बार डाल रही हूँ। तो इसे ज्वारे उगाना कहते हैं। और अब हम बनाएंगे नवग्रह। तो यहाँ पे अक्षत से मैं स्थान बना रही हूँ 9, और उसके ऊपर हम सुपारी रखेंगे। तो यहाँ पे मैं नवग्रह बना रही हूँ। आप चाहो तो इसका यंत्र भी रख सकते हो। तो सारे सुपारी को मैं स्थापित कर रही हूँ। तो हमारा जो नवग्रह है वो तैयार हो गया है। और अब मैं माता की जो फोटो है उस पर मैं चुन्नी उड़ा रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो मूर्ति है माता की उस पर हम सबसे पहले मौली चढ़ाएंगे, उसके बाद माता को वस्त्र पहनाएंगे। उसके बाद माता की जो फोटो है उनको भी मौली चढ़ाएंगे। और जो छोटी सी माला है उसको भी चढ़ा देंगे। फिर मैं मूर्ति को भी माला पहना रही हूँ। और अब मैं गणेश जी को जनेऊ पहना रही हूँ और उसके बाद मौली पहनाएंगे। फिर गणेश जी को माला भी पहनाएंगे। उसके बाद नारियल को भी मैं मौली चढ़ा रही हूँ। उसके बाद रोली और हल्दी से टीका लगा देंगे और अक्षत से भी इसकी पूजा कर लेंगे। और अब मैं नवग्रह को भी मौली पहना रही हूँ और उसके बाद चंदन और अक्षत से टीका कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे नवग्रह पे मैं चंदन लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे घंटी रखी हुई है उस पर भी मैं रोली और हल्दी लगा रही हूँ। और अब हम फूल अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे मैं फोटो को फूल चढ़ा रही हूँ, फिर गणेश जी को, फिर माता को, कलश पे भी हम फूल चढ़ाएंगे। जो यहाँ पे घंटी रखी हुई है उसको भी हम फूल चढ़ा देंगे, ज्वारे पे भी फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तिल का जो तेल है उसका दीपक जलाया है, घी का जलाया है और सरसों तेल का जलाया है। और अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसको भी जला दें। जितने भी दीपक हैं मैं सबको जला दूंगी। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 9 अगरबत्ती ली है, तो उसको जला देंगे।
अगरबत्ती जलाने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पे अब मैंने धूप लिया है उसको जला देंगे। और अब हम माता को धूप दिखाएंगे, तो सारे जो भगवान है सबको धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद यहाँ पे जो दीपक जल रहे हैं उनको भी हम रोली और हल्दी से टीका लगा देंगे। और अब हम माता को दीपक दिखाएंगे। और अब हम माता को श्रृंगार का जो सामान है वो अर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से छुट्टे पैसे रख रही हूँ, आपको जितना रखना है उस हिसाब से आप रखें। उसके बाद थोड़े से जो पैसे हैं वो मैं कलश पे चढ़ा रही हूँ। और अब हम माता को भोग लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं पंचमेवा का भोग लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम बताशे चढ़ा रहे हैं और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो उनको हम घी चढ़ाते हैं, गाय का घी, तो इसको भी मैंने भोग में लगा दिया है। और अब दो लौंग जो है वो बताशे पे रख देंगे, ये भी भोग है। उसके बाद पान के पत्ते पे लौंग, बताशे और इलायची का भोग लगा देंगे माता को। और यहाँ पे दूर्वा है वो गणेश जी को हम चढ़ा देंगे। उसके बाद एक पान के पत्ते पे मैंने यहाँ पे लिया है बताशे और लौंग, ये हम चढ़ाएंगे नवग्रह को। और उसके बाद अगर आपको माता दुर्गा जो है उनका पाठ करना है तो आप वो कर लें। पाठ करने के बाद यहाँ पे आप हवन भी ज़रूर करें, तो हवन के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का एक दिया लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है कपूर और हवन सामग्री जो है वो डाल दिया है। इसमें मैंने घी भी ऐड किया है 3 बार, वो इस वीडियो में आ नहीं पाया है, तो आप इसमें घी की भी आहुति दें और 3 बार जो हवन सामग्री है उसको डालें। उसके बाद अक्षत, रोली और हल्दी डालेंगे। उसके बाद कुछ मीठा डालें, तो यहाँ पे मैं बताशे डाल रही हूँ, आप चाहो तो सूखा नारियल भी ऐड कर सकते हो, लौंग भी डाल दें। तो यहाँ पे जो हमारा हवन है वो हो गया है। उसके बाद गंगा जल लेके इस तरीके से 3 बार इसे छोड़ दें, तो हमारा हवन जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आरती कर लेंगे माता की। तो इस तरीके से आप नवरात्रि की पूजा करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे माता की पूजा करनी है। तो आई होप आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।